नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सुमित और आप सक्सेस प्लस एकेडमी पे घर बैठे तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स लाइक बैंकिंग भी। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें पढ़ना है एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें हम पहुंच चुके हैं दक्षिण भारत के पल्लव वंश के बारे में हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर लेसन में। पल्लव वंश है ये, पल्लव वंश जो पहले वंश था, एक पहला वंश था वो था जो इंडो पर्थियन रूल था उसके समय हमने पढ़ा था, एक पहला वंश और ये है पल्लव वंश। ठीक है, तो पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है और ये हमारे एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 20 है। तो हमारी एंशियंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रही है, तो जिन लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री के लेसन 1 से 19 तक नहीं देखे तो आप शुरू से देखें ताकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पूरा प्राचीन भारत समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन में, हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले एक चीज देखनी है कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। पल्लव वंश जो है इसका ओरिजिन जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस है और इसके बारे में पूरी तरह से लोगों को अलग अलग थ्योरीज हैं। हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं जिनमें से कुछ थ्योरीज मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये उसी पहलव जो वंश था, पहलव पहलव और ये है पल्लव। ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ये वही इंडो पर्थियन जो रूल था उसी की एक ब्रांच थी जो दक्षिण भारत में चली गई और उन्होंने इस पल्लव वंश को आगे जाके ये पल्लव वंश के नाम से जाना गया, कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है। ठीक है, और कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि ये नागा थे, नागालैंड से आए थे, नागा ओरिजिन के रहने वाले थे और फिर ये धीरे धीरे मद्रास की तरफ सेटल होना शुरू कर दिया और वहां के बाद इन्होंने ये सात वाहन के समय जो वंश चल रहा था, हमने सात वाहन वंश पढ़ लिया है, उस समय से ये लोग यहाँ पे थे और इनका शासन चलना शुरू हो गया था धीरे धीरे और इन्होंने आगे बढ़ाया और ये पल्लव वंश आगे चला। फिर कुछ एक थ्योरी और है, उनका ऐसा मानना है कि जो चोला वंश था जो हमें आगे आगे पढ़ना है, जो संगम एज आएगा तो हम चेरा, चोला और पांड्या तीन वंश हैं, ये पल्लव है वो पांड्या आएगा, उन वंश के बारे में पढ़ना हुआ, उनके साथ उनके डिसेंडेंट थे, उनसे ये बटे थे और ये इनका जो नागा प्रिंसेस थे उनके साथ शादी होने की वजह से मनी पल्लवम यहाँ पे ये लोग यहाँ से ये आए थे, मतलब जो आज का जो एक आइलैंड है श्रीलंका में जाफना आइलैंड, वहां से ये लोग आए थे, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। और कुछ और हैं, लास्ट एक और चीज है, ये भी एक थ्योरी है कि ऐसा माना जाता है कि पल्लव जो लोग थे ये सामंत थे सात वाहन वंश के समय, सात वाहन वंश जो था उसके सामंत थे और सात वाहन वंश धीरे धीरे फिर पतन हो गया, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि पल्लव जो है ये डायनेस्टी ये इंडिपेंडेंट रूलर बन गए। ठीक है, तो ये इनका एक तरह से ओरिजिन की बात है। तो ओरिजिन आपसे पूछेगा नहीं, आप ये समझेंगे कि इसका क्या जवाब देना है, हमें क्या जवाब देना है इसका कि ये कहाँ से आए थे। तो हमें सबसे ज़्यादा एक तो इस पे बिलीव करना है। ठीक है, उसके अलावा एक ये माना जाता है कि नागा ओरिजिन से थे, ये है, तो आपको जो ऑप्शन दिखे वो आपको यहाँ पे करना है। ये वाला नहीं माना जाता है, बहुत कम माना जाता है ये वाला, और ये तीन इनमें काफ़ी लोगों के साथ मतभेद हैं। तो बहुत रेयर चांस है कि पल्लव डायनेस्टी का ओरिजिन है उसके बारे में सवाल पूछा जाए आपसे, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, पल्लव का जो पल्लव वंश का जो पहला राजा था इसने लगभग 4th सेंचुरी से स्टार्ट किया, अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना जाता है, और इनका जो शासन है वो 7वीं शताब्दी तक चला। ठीक, और इनका जो समय सुप्रमेसी है वो वेरी करती गई, अलग अलग इलाके में इन्होंने राज किया, चालुक्यों के साथ इनका बहुत ज़्यादा कलह रही, इनके साथ काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, मैं आपको एक पूरा अच्छे से बताऊँगा स्लाइड में कि कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी चालुक्यों और पल्लव ने आपस में, हालांकि पल्लव पांड्या और इनके साथ भी लड़ाई हुई थी, पल्लव डायनेस्टी की पांड्या चेरा चोला के साथ भी लड़ाई हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हुई वो इनकी चालुक्यों के साथ हुई और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बार बार चेंज होता रहा और जो एरिया है इन राज्यों का वो भी बदलता रहा। क्या हुआ ये पहले देखते हैं कि ये डायनेस्टी कहाँ थी। ये वाला जो एरिया है आज का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का थोड़ा सा इलाका देखिए आप, तो ये इलाका जो था ये पल्लव डायनेस्टी के अधीन आया करता था। ठीक है, हम इतने चालुक्य वंश पढ़ लिया है, तो जिन लोगों ने चालुक्य वंश के बारे में नहीं देखा वो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं चालुक्य वंश के बारे में, और इसमें हम थोड़ा सा चालुक्यों को पढ़ने वाले हैं। बादामी जो एम्पायर है यहाँ इनके साथ काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई पल्लव डायनेस्टी की, तो उनको पढ़ना है। एक और मैप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अलग अलग समय पे मैप इनके बदलते रहे। ठीक है, ये टाइम है 550 से 600 एडी के बीच का समय है, उस समय इनका कितना एक्सटेंड था वो बताया गया है। तो इनका जो एक्सटेंड है
सबसे पहली बात है इनकी जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। पूछी जा सकती है पल्लव वंश का समय पल्लव जो रूलर था रूल था उसके अधीन कौन सी राजधानी थी पल्लव वंश की, वो थी कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम। ठीक, और उसके अलावा इनकी जो रीजन था वो कहाँ था, आंध्र प्रदेश में और से लेके कावेरी नदी तक फैला हुआ था साउथ में। उसके अलावा चोल्या वंश के साथ भी इनकी लड़ाइयां हुई, उनको भी इन्होंने एक बार के लिए हटा दिया था, मार्जिनल स्टेट जो उनका है उसको उन्होंने जीत लिया था। चेरा इधर थे, चोला इधर थे और पांड्या इधर नीचे थे। इनके बारे में हमें पढ़ना है आने वाले संगम एज में। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपको आने वाले लेसन में उसको बारे में बताऊंगा। ठीक है, वतापी या बदामी किंगडम जो था ये चालुक्यों का था, इसको बोलते हैं वतापी किंगडम। इनके साथ भी एक बार के लिए वतापी किंगडम पे भी पल्लव उसका वंश का आधिपत्य हो गया था। एक बार बदामी को भी इन्होंने हरा दिया था, उस समय इसको वतापी बोलते थे, बाद में इसको बदामी बोलने लगे। तो क्या हुआ, ये सब चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही, ये एक बार इसको एक ही स्लाइड में सारा समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। तो इस पे एक बार आप नोट्स के लिए इसको ध्यान में रखिए, मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हुआ। कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं जो फेमस और पॉपुलर रूलर थे इस वंश के, पल्लव डायनेस्टी के, उनके बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। शिवकंड वर्मन ये इनका एक तरह से माना जाता है कि शुरुआती रूलर्स में सबसे ग्रेटेस्ट था। देखो जब ओरिजिन पता नहीं है तो इसके फाउंडर का भी पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं पता चलता, इसलिए इसको शिवकंड वर्मन को ही आपको बताना है कि यही इनका ट्रू एक तरह से क्या था, फाउंडर था। ट्रू फाउंडर कौन है इसका, शिवकंड वर्मन। ठीक है, और शुरुआत के रूलर्स में से सबसे ग्रेट यही था। और इसने लगभग 4th सेंचुरी से अपना शासन शुरू किया और इसने अश्वमेध यज्ञ कराया और वैदिक सेक्रीफाइसेस भी करवाए। तो एक चीज यहां से आपको पता चल जाता होगा कि अश्वमेध यज्ञ कौन कराएगा, जो हिंदू होगा, हिंदू था ये जो वंश था ये हिंदू हो गया अपने आप में। आपको समझ में आ गया, देखो किसी भी डायनेस्टी के बारे में ज्यादातर चीजें आपको शुरुआत की चीजें पता होनी चाहिए। देखो ओरिजिन इसका नहीं पता, लेकिन अगर किसी का क्लियर है ओरिजिन कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस वंश का, तो वो आपको पता होना चाहिए। उस धर्म के रूलर जो थे उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया इसका पता होना चाहिए। उसका फाउंडर कौन था ये पता होना चाहिए। उसका सबसे ग्रेट सम्राट कौन था ये पता होना चाहिए। और उनका जो वहां पे समाज कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो हिंदू था और दूसरे धर्मों के लिए ये लोग टॉलरेंट थे कि नहीं थे ये बात मैं बताऊंगा आपको आगे चल के, लेकिन ये थे कि ये जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म के लिए टॉलरेंट थे, उनके किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन इनके एम्पायर में वो ज्यादा पॉपुलर नहीं था। दोनों धर्म जैनिज्म और बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, मेन क्या था हिंदू धर्म ही था। और वैदिक सेक्रीफाइसेस ये करते थे, अश्वमेध यज्ञ कराते थे, वाजपेय यज्ञ कराते थे, राजसूय यज्ञ करवाते थे। तो इसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करवाया। फिर है श्रीवर्मन, यह है इसको सिंह विष्णु वर्मन भी इसको बोला जाता है। इसका शासन है वो है लगभग 575 AD से 600 AD तक का जो समय है उसके बीच में माना जाता है। ये इनके बीच में ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में और राजा नहीं आए, लेकिन और आए वो इतने ग्रेट नहीं थे, उनका इतना वर्णन आपको इतना नहीं मिलता है। शिव वर्मन का मिलता है आपको, सिंह विष्णु वर्मन का मिलता है। ये देखो बुद्धिज्म को फॉलो करता था। देखो अब मैंने बताया कि ये ज्यादातर जो रूलर थे इस वंश के वो किसको फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को करते हैं, लेकिन ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे शिव विष्णु वर्मन। और इनके जो राज्य था उसमें श्रीलंका भी आया करता था, आज का जो श्रीलंका है वो आया करता था। और एक जब ओरिजिन की बात की थी तब किसी ने बोला भी था कि एक्सपर्ट्स ने कि ये श्रीलंका से है। अब आता है इनका एक ग्रेट रूलर और, वो है महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में आपको काफी सारी चीजें डिटेल्स में लिखी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो शासन है वो 600 AD से लेकर 630 AD तक रहता है। और उसके बाद चालुक्य वंश का एक महान शासक जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, वो इसको हरा देता है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आप चालुक्य वंश में पढ़ सकते हैं पीछे वाले लेसन में। ठीक है, तो ये सिंह विष्णु वर्मन का क्या है, सक्सेसर है, वो इनके पात पिता थे जो पीछे वाले हमने पढ़ा है। ये एक कवि था खुद, महेंद्र वर्मन खुद कवि था और विचित्र चित्र नाम से ये पोएट्री लिखा करता था। तो इसका एक और नाम है विचित्र चित्र और महाविलासा परशाना, ये भी इस नाम से भी इसने लिखा है। तो ये भी इसका एक और नाम है, इसने पोएट्री लिखी है इन नाम से। देखो कवि होता है कोई वो अपना नाम बदल के, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जैसे वो निराला है, निराला है वो एक एक तरह से वो नाम यूज करते हैं साथ में।
तो उसी तरीके से इन्होंने अपना नाम क्या यूज किया, विचित्र चित्र, ठीक ये था। इन्होंने रॉक कट टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है उसको इंट्रोड्यूस किया साउथ इंडिया में। देखो रॉक कट टेम्पल पहले भी बनते आ रहे थे, जो जैनिज्म के जो तरीका है वो आर्किटेक्चर का उसमें बनते आ रहे थे, बुद्धिज्म में भी बनते आ रहे थे, अलग अलग राजाओं ने पहले भी किया है, लेकिन इस एरिया में जिसकी हम बात कर रहे हैं पल्लव डायनेस्टी का जहाँ रूल था वहाँ पे इन्होंने रॉक कट टेम्पल को इंट्रोड्यूस किया। और इन्होंने देखो ये शुरुआत में जैन था लेकिन बाद में ये शैव उपासक बन गए हैं। शैव उपासक यानी कि शिव जी की पूजा करने वाला, और शुरू में ये क्या था, ये जैन था, ठीक है। तो जो शुरुआत का जो इनका रूलर है वो कौन है, हिंदू है। फिर आने वाला एक राजा, इसके जो पिता है वो कौन थे, बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ये शुरुआत में जैनिज्म को फॉलो करता था लेकिन बाद में इन्होंने शिव जी को वो मानना शुरू कर दिया, शिव उपासक बन गए। तो एक तरह से आप देख सकते हैं पुराने समय में धर्म का जो परिवर्तन है राजाओं के लिए और बाकी लोगों के लिए आसान था। आज के समय ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है कि धर्म इधर से उधर कन्वर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें कम होती हैं, लेकिन उस समय ये होता था। आपने बहुत सारे राजाओं के बारे में देखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, अशोक वगैरह, सबका आपने देखा है। हैड ऑन गोइंग रिवाइवरी बैटल विद पुलकेशिन द्वितीय, इसके साथ पुलकेशिन सेकंड के साथ इसकी लड़ाई हुई और इस लड़ाई में महेंद्र वर्मन हार गया और इसकी मौत हो जाती है, ठीक है। और ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा एक पूरी स्लाइड में, आप इसको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैं आपको बता दूंगा कि ये कितनी लड़ाइयाँ हुई। चालुक्य और पांड्या की जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ हम देखेंगे। फिर है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि महेंद्र वर्मन का बेटा था और उसका सक्सेसर था, ठीक। ये ऐसा माना जाता है कि ये पल्लव वंश का सबसे ग्रेट राजा है और इसने बदला भी लिया। चालुक्य वंश के जो शासक पुलकेशिन द्वितीय हैं उनको बुरी तरीके से इसने हराया, एक बार नहीं तीन बार हराया, और उसको हरा के वो जो वतापी जो इलाका था जो चालुक्यों की राजधानी होती थी उसको जीत लिया, इसीलिए इसका नाम वतापी कोंडा पड़ा। वतापी कोंडा यानी वतापी को जीतने वाला, वतापी कोंडा, ठीक है। तो वहाँ इसने पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरह से हरा दिया। ऐसा नहीं है, अब आगे भी चलेगी ये लड़ाई, इनके बीच में सदियों तक लड़ाइयाँ चलती रहीं। फिर क्या होता है, इसने एक सिटी बसाई जो आज महाबलीपुरम के नाम से जानी जाती है, खुद के नाम पे ही महाबली था, इसने महाबली खुद को उपाधि दी थी, तो महाबलीपुरम सिटी को इसने फाउंडर माना जाता है उसका, ठीक। और हेनसांग जो इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, हर्षवर्धन के समय भारत में आया था, तो ये हर्षवर्धन के एम्पायर में आया था लेकिन ये 640 एडी में पल्लव डायनेस्टी की तरफ, पल्लव रूल जो था उसकी तरफ भी घूमने चला गया, क्योंकि ये एक पिलग्रिम था, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, चीन से आया था और ये जानने आया था भारत के बारे में कि ये जो बौद्ध धर्म है बेसिकली ये भारत में इसका उदय हुआ और ये धर्म किस तरीके से फैलता है, बेसिकली उसके लिए आया था। लेकिन बाद में इसने यहाँ की राजनीति, यहाँ के समाज, इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ के राजाओं का, उसको पूरी तरह से अच्छे से लिखा है हेनसांग ने। तो हेनसांग इसके राज्य में भी गया, नरसिंह वर्मन के राज्य में भी, और इसने बताया है कि इसके जो राज्य में जो लोग हैं वो बहुत खुश थे इसके रूल से, और इसके बारे में काफ़ी सारी जानकारी हेनसांग ने दी है। तो ये भी पूछा जा सकता है हेनसांग किसके साम्राज्य में, पल्लव डायनेस्टी में गया, साउथ इंडिया गया, तो ये था नरसिंह वर्मन प्रथम और 640 एडी में ये यहाँ पे गया। अब है कुछ लास्ट रूलर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, वैसे तो और भी रूलर आए, मैं आपको आगे बताऊंगा ही। महेंद्र वर्मन सेकंड जो था, जो बेटा था इसका, महेंद्र वर्मन इसका बेटा था नरसिंह वर्मन का, ये अभी हार गया था उधर विक्रमादित्य प्रथम से, कैसे हारा बताऊंगा। इसका बेटा था परमेश्वर वर्मन, ये लास्ट राजा माना जाता है इस वंश का, पल्लव डायनेस्टी का। इसके बाद जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स हैं उन्होंने उसको कांचीपुरम को ऑक्यूपाई कर लिया और ये हार गए और इस तरीके से इनका पतन हो जाता है। और कुछ सालों बाद इनका जो पांड्या डायनेस्टी है उन्होंने भी इन एरिया को, जो जिस एरिया में रूल कराते थे उसको कैप्चर कर लिया। एक और रूलर है कुछ जगह ऐसा माना जाता है, ये ग्रेट रूलर था, लास्ट ग्रेट रूलर माना जाता है, जो फेमस रूलर था परमेश्वर वर्मन, लेकिन एक राजा है अपराजित वर्मन, ये लास्ट रूलर माना जाता है। देखो अपराजित वर्मन में अपराजित है जो हार नहीं सकता, लेकिन अपराजित वर्मन भी पराजित हो गया था किससे, चोला डायनेस्टी के रूलर से हार गया था, और अपराजित वर्मन को अंतिम पल्लव शासक माना जाता है, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान से इसको पढ़ना, आप सुनना अच्छे से समझना। देखो चालुक्य और पल्लव के बीच में काफी सारी लड़ाइयां लड़ी गई,
एक तरह से इनके बीच में जो क्या बोलते हैं लड़ाई जो थी वो जाति दुश्मनी इस तरीके से बन गई थी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये लड़ाइयाँ चलती रही। क्या हुआ देखते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था पुलकेशिन द्वितीय और महेंद्र वर्धन वर्मन प्रथम के बीच में लड़ाई हुई। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महान शासक था और महेंद्र वर्मन पर इसका एक अच्छा शासक माना जाता है। तो पहली लड़ाई में पुलकेशिन द्वितीय अच्छे से जीत गया और महेंद्र वर्मन को पूरी तरह से हरा दिया। ठीक है, कांचीपुरम का जो राजा था इसको हरा दिया और ये बतापी किंग जीत गया। अब इसका जो बेटा है सन नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि पल्लव डायनेस्टी का सबसे ग्रेट रूलर माना जाता है, ये जीता किससे? पुलकेशिन द्वितीय को जाके इसने हराया और अपने बाप की हार का बदला ले लिया इसने। और ये यहाँ पे वतापी कोंडा इसको बोला जाता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वतापी में इसने जाके तीन लड़ाइयां लड़ी पुलकेशिन द्वितीय के साथ और तीनों में ये जीत गया। ठीक है, यहां भी कहानी खत्म नहीं होती है। पुलकेशिन द्वितीय का बेटा जो कि विक्रमादित्य प्रथम था, इसने इसके बेटे जब बाद में ये बड़ा हुआ तो इसने कहा कि मैं भी अपने पिता की हार का बदला लूंगा। और इसने जीता किसको? इस नरसिंह वर्मन प्रथम के बेटा जो था महेंद्र वर्मन द्वितीय, सॉरी यहाँ पे सेकंड आएगा, महेंद्र वर्मन द्वितीय, इसको इसने हरा दिया और विक्रमादित्य प्रथम जीत गया। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती जाइए। अब विक्रमादित्य के बाद, विक्रमादित्य जीत गया था यहाँ पे, इसके बाद परमेश्वर वर्मन के साथ भी विक्रमादित्य ने लड़ाइयां लड़ी। विक्रमादित्य मान नहीं रहा था, उसने सोचा कि मैं इस पल्लव वंश को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर वर्मन के साथ काफी लड़ाइयां लड़ने के बावजूद भी ये पल्लव वंश को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। और इनके साथ जो भी बैटल हुए विक्रमादित्य और परमेश्वर वर्मन के, उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा, न तो चालुक्य वंश जीता और न ही परमेश्वर वर्मन जीता। ठीक है, ये दोनों ही नहीं जीते, दोनों ही एक तरह से अपने राज्य में जमे रहे। ठीक है, ग्रेट, ये भी अच्छा राजा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसने चालुक्यों को हराया हो, ऐसा भी नहीं है। अब विक्रमादित्य फर्स्ट का बेटा था, विक्रमादित्य सेकंड, इसने परमेश्वर वर्मन के साथ लड़ाई लड़ी। और पहले तो विक्रमादित्य के साथ इनकी एक संधि हुई थी, उस संधि को मानने के लिए परमेश्वर वर्मन सेकंड ने मना कर दिया था। उसके बाद इसको मरवा दिया गया और कांचीपुरम जो है कांचीपुरम पे कब्जा कर लिया किसने? इस चालुक्य डायनेस्टी ने, विक्रमादित्य सेकंड के समय पे। तो इतनी सारी चीजें हुई जो कि आपको याद रखनी है यहाँ पे। तो महेंद्र वर्मन और महेंद्र वर्धन द्वितीय दोनों हार गए, परमेश्वर वर्धन द्वितीय हार गया। ठीक है, नरसिंह वर्मन जीता और परमेश्वर वर्धन प्रथम जो था उसके साथ कोई रिजल्ट नहीं रहा। जीतने वाला तो सिर्फ यही था ये मान लो, और बाकी कोई रिजल्ट नहीं रहा, या फिर चालुक्य वंश जीता। तो चालुक्य वंश एक तरह से आप देखें तो पल्लव वंश से ज्यादा पावरफुल आप मान सकते हैं। लास्ट में उनका जो रिजल्ट है वो उनके पक्ष में आया। ठीक, अब देखते हैं कि इनका समाज और इनका कल्चर कैसा था, कैसी सोसाइटी थी, कैसा कल्चर था। पल्लव वंश का जो शासन था वो आर्यन कल्चर था। आर्यन कल्चर आपको पढ़ते आ रहे हैं, जो पुराने समय में आर्यन जो भारत में आए थे उनका जैसा कल्चर था, जो मतलब हिंदुइज्म जो था उसके हिसाब से थे। ये ब्राह्मणवाद में विश्वास करते थे, ब्राह्मणों की बहुत इज्जत किया करते थे, उनको गांव देते थे, उनको लैंड दिया करते थे। ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं, काफी दान वगैरह दिया करते थे, इसलिए इनको ब्राह्मण देया भी बोला जाता है। ब्राह्मण देया किन शासकों को बोला जाता है? पल्लव डायनेस्टी के जो शासक हैं उनको ब्राह्मण देया बोला जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ब्राह्मणों का जो स्टेटस था वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो था, जो चार वर्ण थे वो काफी रिजिड था, उनकी मतलब यहाँ पे वो चीज थी, कास्टिज्म जो था वो कंप्लीटली अच्छे से लागू था। ठीक है, उसके अलावा इनको माना जाता है कि ये ऑर्थोडॉक्स थे, काफी ओल्ड विचारधारा के थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, और ये शिव और विष्णु की पूजा करते थे। मैंने आपको बताया था शैव उपासक और विष्णु उपासक थे, शैविज्म और वैष्णव धर्म को अपनाने वाले राजा भी थे इनमें। काफी ऐसे राजा थे जो पहले बुद्धिज्म को अपनाते थे या फिर जैनिज्म को अपनाते थे, लेकिन बाद में शिव शैव उपासक बन गए, या फिर बौद्ध धर्म को, उन्होंने विष्णु धर्म को अपना लिया, वैष्णव धर्म को। ओके, ये टॉलरेंट थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए, ऐसा नहीं है कि टॉलरेंट नहीं थे, लेकिन जो इनकी जो रिलेवेंसी थी, ये पॉपुलरिज्म जो था बुद्धिज्म और जैनिज्म का, वो कम हो गया था इनके समय में इस एरिया में। ठीक है, कांचीपुरम जो था वो लर्निंग का एक ग्रेट सेंटर था, और कांचीपुरम यूनिवर्सिटी भी थी, वो इसी के समय पे
शुरू हुई थी, और उसके अंदर जिस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय में बुद्धिज्म की लर्निंग होती थी, उसी तरीके से कांचीपुरम में आर्यन कल्चर की लर्निंग होती थी। आर्यन कल्चर की लर्निंग का हब था वो, ठीक है। वैष्णव और धर्म और शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो काफी हुआ इस पीरियड में, ठीक है। और जो संस्कृत थी वो चीफ लैंग्वेज थी, सबसे ज्यादा संस्कृत को माना जाता था, और जो राजा और जो स्कॉलर थे वो किसको पढ़ते थे ज्यादातर, संस्कृत को पढ़ते थे। और इनके जो इंस्क्रिप्शन हैं, जो अभिलेख हैं, वो आपको तमिल में भी मिल जाएंगे और संस्कृत में भी मिल जाएंगे। वैदिक पीरियड का जो है वैदिक ट्रेडिशन था वो सुपरइम्पोज था लोकल्स पे भी, ठीक। ये इस तरह की सोसाइटी थी, तो आप समझ सकते हैं जो पोस्ट वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी उसी तरीके का इनका कल्चर था, ऐसा आप मान सकते हैं। फिर है इनका आर्किटेक्चर और इनकी कला किस तरीके से थी। तो पल्लव जो एरा था इसको माना जा सकता है कि रॉक कट, जो इनका मैंने आपको बताया था पहला राजा था उसने रॉक कट को बनाया था ट्रांजिशन को, उसके अलावा फ्री स्टैंडिंग टेम्पल भी इनके समय में देखे जा सकते हैं। महेंद्र वर्मन को माना जाता है कि ये पायोनियर प्रथम, महेंद्र वर्धन प्रथम जो था वो रॉक कट आर्किटेक्चर का एक तरह से पायोनियर माना जाता है, और इसने कुछ मंदिर बनाए जैसे कि मंदगमपट्टू रॉक टेम्पल, ये मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ है इसमें, मंदगमपट्टू ये मंदिर है और ये पहला रॉक कट टेम्पल था इसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। फिर नरसिंह वर्मन सेकेंड जो है इसने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया 7वीं शताब्दी में, ठीक। शोर टेम्पल है महाबलीपुरम में, ये भी नरसिंह वर्मन से द्वितीय ने बनवाया, ठीक। ये पुराना ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है, स्ट्रक्चरल टेम्पल माना जाता है साउथ इंडिया का। तो कौन सा टेम्पल है जो ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल माना जाता है, वो है शोर टेम्पल, ठीक है। और ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, ठीक। और इसको सेवन पगोड़ा कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है, सेवन पगोड़ा किसको कहते हैं, शोर टेम्पल को बोलते हैं। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, किसने बनवाया, नरसिंह वर्धन वर्मन सेकंड ने इसको बनवाया, तो ये वाला आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और द्रविड़ियन स्टाइल जो थी वो इनके समय में ही शुरू हुई। तो आप देख सकते हैं ये कुछ मंदिर हैं, शोर टेम्पल है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है इसको 1984 से, ठीक। तो ये बनवाया था पल्लव डायनेस्टी के नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ये था इस वीडियो का अंत, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस।